बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास, आज हम चैप्टर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, मेक फॉलोइंग कन्वर्जन। इस न्यूमेरिकल में हमने कन्वर्जन्स करनी है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस का मतलब डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर गिवन होगा उसमें 273 ऐड कर दें तो आंसर केल्विन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में जो वैल्यू है 0 है, 0 में 273 ऐड होके केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा 273 केल्विन। इसके बाद बी ऑप्शन है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है यहां पे भी वही होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो यही फार्मूला यूज होगा, टी के इक्वल टू टी सी प्लस 273। वैल्यूज पुट कर देंगे, जहां पे टी सी की वैल्यू 273 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये ऐड होके हमारे पास आंसर आ जाएगा 546 केल्विन। सी पार्ट है, 0 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर इसी फार्मूले को अगर ये टी सी फाइंड करना है, 273 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि टी सी इक्वल हो जाएगा टी के माइनस 273। तो टी सी इक्वल हो जाएगा 0 माइनस 273, टी सी माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। इसके बाद डी ऑप्शन में, 273 के को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये वही फार्मूला, टी सी इक्वल टू टी के माइनस 273, टी के की वैल्यू 273 है, पुट की तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाउ मच हीट इज नीडेड टू हीट 8 kg ऑफ वाटर फ्रॉम रूम टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जौल पर केजी पर केल्विन। इसमें क्या चीज हमें गिवन है, क्या चीज फाइंड करनी है, वो हम डाटा में नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है, हाउ मच हीट इज नीडेड, हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी, यानी कि क्यों फाइंड करना है। 8 kg ऑफ वाटर, केजी मैस का यूनिट है, तो ये हमें मैस गिवन है, एम इक्वल टू 8 kg फ्रॉम रूम टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री टू 85 डिग्री। यानी कि T1 15 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा और इसको SI यूनिट में केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में 275 ऐड करते हैं, यानी कि 15 प्लस 273 तो 288 आ जाता है, और इसी तरह 85 जब आएगा तो T2 इक्वल हो जाएगा 85 प्लस 273 यानी कि 358 केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी गिवन है, ये C से इसको डिनोट करते हैं, सी इक्वल टू 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला यूज होगा जो आपने टॉपिक में पढ़ा है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू इक्वल आ जाएगा, वैल्यू पुट करने से पहले डेल्टा टी इक्वल होगा टी टू माइनस टी वन के। तो वैल्यू पुट करेंगे, एम की वैल्यू 8 गिवन है, सी 4200 है, T2 की वैल्यू 358 माइनस T1 है 288। तो ये क्यों इक्वल आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 33600 आ जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट होके 70 आ जाएगा, तो क्यों इक्वल आ जाएगा 2352000 के। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास राउंड ऑफ, और इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद 2.4 × 10⁶ जौल। पॉइंट इधर था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है, तो 10⁶ आ जाएगी और ये राउंड ऑफ होके 2.35 को 2.4 लिख दिया। प्रॉब्लम नंबर 3 है, ए 0.400 kg ब्लॉक ऑफ आयरन इज हीटेड फ्रॉम 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब बाय आयरन। अब डाटा में क्या चीज गिवन है, सबसे पहले केजी यानी कि मैस गिवन है, एम इक्वल टू 0.4 kg, आयरन इज हीटेड फ्रॉम, ये T1 आ जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया,
52 को भी केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, ये T2 आ गया। हाउ मच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, यानी कि क्यों हमने फाइंड करना है, और स्पेसिफिक हीट C की वैल्यू 450 जाउल पर केजी पर केल्विन गिवन है। ये पर केल्विन आएगा यहां पर। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, वही फार्मूला यूज होगा, क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, तो ये इक्वल हो जाएगा क्यू इक्वल टू एम सी टी टू माइनस टी वन के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, ये वैल्यूज पुट कर दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इनको सब्ट्रैक्ट किया, तो 180 इंटू 30 आ गया, मल्टीप्लाई होके 5400 जाउल आ जाता है, यानी कि 5.4 इंटू 10 पावर 3 जाउल। 0.3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर 3 आ गई। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 33600 जाउल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है आइस का, हाउ मच हीट एनर्जी इज नीडेड टू मेल्ट 0.65 केजी ऑफ आइस। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि एच एफ की वैल्यू गिवन है 33600 जाउल पर केजी पर केल्विन, जाउल पर केजी, और हाउ मच हीट एनर्जी क्यू एफ कैलकुलेट करनी है फ्यूजन की वजह से, तो इस वजह से सबस्क्रिप्ट में एफ भी आएगा। मास गिवन है 0.65 केजी का, तो सॉल्यूशन हमारे पास इसका फॉर्मूला है क्यू एफ इक्वल टू एम एच एफ, वैल्यूज पुट की, क्यू एफ इक्वल आ जाता है 0.65 इंटू एच एफ की वैल्यू 33600, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाता है 21840 जाउल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाउ मच हीट इज नीडेड टू चेंज 50 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी क्यों फाइंड करना है, और क्यों वी लिखेंगे, क्यों ये सारा वेपराइजेशन का प्रोसेस है, वी फॉर वेपराइजेशन, क्यों वी इक्वल टू फाइंड करना है। मास है 50 ग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड होगा, यानी कि 10^-3 मल्टीप्लाई होगा साथ। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एच वी 2.26 × 10^6 जाउल पर केजी। ये टेम्परेचर गिवन है लेकिन इसका हमारे कैलकुलेशन में कोई इस्तेमाल नहीं होगा। सॉल्यूशन क्यू वी इक्वल टू एम एच वी, वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 1.13 × 10^5 जाउल। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 50 × 10^2 जाउल इज एडेड टू आइस एट 0 °C, हाउ मच आइस विल बी मेल्टेड गिवन दैट एच एफ इक्वल टू 3.36 × 10^5 जाउल पर केजी। तो यहां पर ये एनर्जी गिवन है जो ऐड की गई है, यानी कि क्यू एफ 50 × 10^2 जाउल, टेम्परेचर का इस्तेमाल नहीं होगा हमारे पास। हाउ मच आइस विल बी मेल्ट, यानी कि मास फाइंड करना है, कितना मास होगा उस आइस का जो मेल्ट करेगी, एच एफ की वैल्यू गिवन है, तो वही फार्मूला यूज किया क्यू एफ इक्वल टू एम एच एफ, एम फाइंड करना है तो एच एफ डिवाइड होगा दूसरी साइड पर जाकर, एम इक्वल टू क्यू एफ ओवर एच एफ, यानी कि एम इक्वल टू क्यू एफ की वैल्यू 50 × 10^2 डिवाइडेड बाय एच एफ की वैल्यू 3.36 × 10^5, एम इक्वल आ जाता है 14.88 × 10^-3। पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, एक कम हो जाएगी पावर, ऐड होगा, बल्कि लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो एक पावर ऐड होती है, प्लस वन होगा तो ये माइनस टू हो जाएगा, 1.49 × 10^-2 केजी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हीट इज अप्लाइड टू 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 °C, 100 ग्राम की आइस है, उसको 0 °C पे हीट दी गई है, until the ice melts the temperature of the resulting water rises to 20 °C, जब तक आइस मेल्ट नहीं कर जाती टेम्परेचर वाटर का कितना इंक्रीज कर जाता है 20 °C का तक, तो हीट कितनी अब्सॉर्ब हुई वो फाइंड करनी है। एम मास गिवन है 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, 0.1 केजी आ जाएगा। ये हमारे पास T1 0 °C है, यानी कि केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 + 273 = 273 केल्विन, और 20 °C हमारे पास आ जाएगा,
20 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 20 प्लस 273 इक्वल टू 293 केल्विन। तो क्यों फाइंड करना है हमने? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए, ये वैल्यू यूज होगी हमारे इस न्यूमेरिकल में। और इसी तरह जो लेटेंट हीट ऑफ वाटर है इसकी वैल्यू 4200 जौल पर केजी पर केल्विन होती है, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। एनर्जी क्यू वन जो नीड होगी कि मेल्ट करे आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक, यानी कि इस न्यूमेरिकल को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। न्यूमेरिकल में बात क्या की गई थी, आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होनी शुरू हुई है और वो वाटर में जब तक कंप्लीटली मेल्ट हुई है तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका था। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक कितनी एनर्जी थी, और उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक कितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई। तो पहले हम क्या करने लगे हैं, एनर्जी नीडेड टू मेल्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, यानी कि क्यू वन इक्वल टू एम एच एफ। तो m की वैल्यू हमारे पास है 0.1 इंटू एच एफ की वैल्यू है 3.36 इंटू 10 पावर 5। तो ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ जाएगा 3.36 इंटू 10 पावर 4। इसके बाद सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे कि वो एनर्जी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है जब वाटर था, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया 10 पावर 4, यानी के आगे दो जीरो और आ जाएंगे तो 3600 जाऊंगे। अब कौन सी एनर्जी है, एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वो एनर्जी जो वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गई। क्यू टू इक्वल आ जाएगा एम सी डेल्टा टी के। एम की वैल्यू गिवन है 0.1, सी की वैल्यू भी गिवन है 4200, टेम्परेचर 293 माइनस 273 तो ये 20 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई होके 8400 जाउल आ जाता है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि क्यू इक्वल आ जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू के। तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी जो आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कन्वर्ट करके 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक लेकर गई। तो ये दोनों वैल्यूज इसको और इसको ऐड कर दिया, क्यू हमारे पास आ जाता है 4200 जाउल, यानी कि 4.2 इंटू 10 पावर 4 जाउल। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है, ए मीटर मेटल बार इज 2.6 मीटर लॉन्ग एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड। मेटल बार है जिसकी लेंथ गिवन है इस टेम्परेचर पे, बार को हीट किया जाता है तो टेम्परेचर 93 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और लेंथ में जो चेंज आ जाती है वो 3.4 मिलीमीटर है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड करना है, तो डाटा हम नोट करते हैं। जो लेंथ गिवन है वो एल नॉट है 2.6 मीटर, टेम्परेचर टी वन 21 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया प्लस 273 करके। दूसरा टेम्परेचर टी टू 93 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। इन दोनों की मदद से चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि टी टू माइनस टी वन तो ये 72 केल्विन आ जाएगा। जो लेंथ मेजर होगी, चेंज इन लेंथ इज मेजर्ड एज 3.4 मिलीमीटर, चेंज इन लेंथ, तो डेल्टा एल 3.4 मिलीमीटर, यानी कि 3.4 इंटू 10 पावर 3 मीटर। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला यहां पर हमारे पास यूज होगा, अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन था वहां से आपने ये एक्सप्रेशन देखा था, जब वो उसका एक्सप्रेशन फाइंड किया था तो उसमें एक्सप्रेशन की मदद से अल्फा जो आ जाता है डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी आ जाता है। वैल्यूज पुट कर देंगे, डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास है 3.4 इंटू 10 पावर माइनस 3, एल नॉट की वैल्यू 2.6 है और डेल्टा टी हमारे पास है 72। तो 3.4 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 187.2 आ जाएगा। अल्फा इक्वल आ जाएगा 0.018 इंटू 10 पावर माइनस 3, यानी कि 01.8 इंटू 10 पावर माइनस 5, 0.2 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा तो 10 की पावर माइनस 2 ऐड होगी ऊपर, माइनस 2, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा।
यूनिट 7 पर केल्विन आ गई। उसके बाद चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, ए पीस ऑफ स्टील अल्फा इक्वल टू 11 × 10⁻⁶ पर कूलम इज 11.5 मीटर। स्टील का पीस है, वैल्यू क्या मन है, 11.5 मीटर लॉन्ग है 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसको हीट किया जाता है 1221 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्लोज टू इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर। तो न्यू लेंथ क्या होगी, यानी कि अल्फा की वैल्यू गिवन है 11 × 10⁻⁶ पर कूलम, लेंथ गिवन है एल नॉट जो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी 11.5 मीटर, T1 22 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, T2 1221 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, और इन दो टेम्परेचर्स की मदद से डेल्टा टी आएगा T2 − T1 यानी कि 1199 केल्विन। तो लेंथ हमने फाइंड करनी है, व्हाट इज इट्स न्यू लेंथ। सॉल्यूशन में फॉर्मूला हमारे पास L इक्वल टू L नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, ये वही है जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में जो उसकी सारी डिटेल थी वहां पर आपने फाइंड किया था। तो इसमें वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जो ब्रैकेट के अंदर है वो सॉल्व करें। तो 11.1 × 1 प्लस ये 11 इससे मल्टीप्लाई होके 13189 × 10⁻⁶ आ जाएगा। 10⁻⁶ यानी कि ये डिवाइडेड बाय 10⁻+6 आएगा, तो ये 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, एक जीरो और लगेगा और फिर पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 0.013189। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो 11.5 × 1.013189 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो लेंथ आ जाती है 11.65 मीटर। तो ये वो लेंथ थी जो हमने फाइंड करनी थी। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल या एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।